फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा और मेरे चैनल का नाम ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स है। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक लाई हूँ ना, जो कि जिसे पिंपल्स नहीं है, दाग धब्बे नहीं आना, अगर वो ये यूज़ करें ना फेस पैक, उसके चेहरे पे तो जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, एकदम ग्लोइंग फेस पैक है ये। और सबसे बेस्ट है कि अगर हमारे मेरे चेहरे पे भी हल्के हल्के से दाग धब्बे हैं, तो मैंने देखिए यूज़ किया है और इसका गोरापन देखिए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये आपको बहुत अच्छा इस फेस पैक में रिज़ल्ट मिलने वाला और तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे आप हफ्ते में 7 दिन कर सकते हो। ये ऐसा फेस पैक है और इसे अगर आपके घर में कोई फंक्शन है ना और आप एक हफ्ते से इसे कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो आपको इसका रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छा, फेशियल से भी ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाला है। एक गोरापन हमारे फेस पे आने वाला है, एक चमक बोलते हैं वो आने वाला है इस फेस पैक से। तो अगर ये फेस पैक बनाना कैसे है, लगाना कैसे, वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इस तरीके का रिज़ल्ट चाहिए आपको तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है। और कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ में मैं इस फेस पैक को बनाऊंगी और इसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आने वाला है। और जो सांवले लोग हैं ना, उनके ऊपर तो सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जिसका सांवला रंग है अगर इस फेस पैक को इस्तेमाल कर रहा है तो भी उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। उसके फेस पे अलग सा एक फेयर कलर हो जाएगा उसका, इस तरीके का ये फेस पैक है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते फेस पैक बनाना कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी हमारे कलर को, फेस के कलर को फेयर करता है, गोरा बनाता है और अपने ऑयल को, फेस से ऑयल को कम करता है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और मैं इसमें ऐसी चीज़ से फेस पैक बनाने वाली हूँ जिससे अपनी स्किन ना ड्राई नहीं दिखेगी। तो ये है दूध, और यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है, लगभग मैंने 3 चम्मच लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स किया है और सॉफ्ट सा पेस्ट बनाया। ये फेस पैक है ना, बहुत लोग मुल्तानी मिट्टी अगर ट्राई भी कर रहे हो फेस पे तो लगाने के बाद ड्राई हो जाता है। इस तरीके से आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए दूध से, तो आपका कलर भी फेयर हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, और इसका रिज़ल्ट है ना आपको देखने के लिए तुरंत मिल जाएगा, और इसके बाद आपका फेस ड्राई नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना कैसे वो तो बता दिया है आपको, तो चलिए लगाना कैसे। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले फेस वॉश किया है, तो आपके सामने मैं अपने फेस को क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जल लिया है और इसे एक कॉटन में लेके अपने फेस पे पूरा अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, मतलब क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर लिया है, और ये थोड़ा गीला है तो अपने हाथों से भी इस तरीके से मसाज, मतलब थोड़ा सा अपने फेस को ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है गुलाब जल से भी क्लीन हो चुका है हमारा फेस। तो चलिए फेस पैक लगाना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फेस पैक हमारा सेट हो चुका है अच्छे से। तो इसे हमें डायरेक्टली अपने फेस पर मोटी लहर एक होती है ना, उस तरीके से लगा लेना है। और ये फेस पैक लगाने से आपके फेस पे ना, हम मुल्तानी मिट्टी अगर कोई भी चीज़ लगाते हैं डाल के मुल्तानी मिट्टी में, पर हमारा फेस एकदम ड्राई रहता है, पर ये फेस पैक से आपका फेस है बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आपको मोटी लहर लगानी है, जहाँ पे आपको दाग धब्बे की भी प्रॉब्लम हो। तो मुझे जैसे लग रहा है मैंने उस तरीके से अपने फेस पर अच्छे से लगा लिया है, और ना मैं, मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। मैंने कंटिन्यू इसे है ना, एक उपटन बोलते उस तरीके से इस पैक को लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मेरे जो कलर है ना उस पर एक अलग सा फेस का जो कलर है उस पर बहुत, मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के भी साथ शेयर करूँ, एक फेस पर अलग सी चमक आ जाती है। तो यहाँ पे फेस पैक भी लगा के रेडी हो चुका है मेरा। तो इसे हमें अच्छे से ड्राई करना है, तो इसे 20 से 30 मिनट अपने फेस पे रख लेना है। तो
तो यहाँ पे 20 से 30 मिनट हो चुके हैं, तो इसे निकालना कैसे, इसे अपने फेस से इसे रफ करते हुए निकालना है। तो यहाँ पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ और मसाज करते हुए अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और ये है ना इसका रिज़ल्ट है ना, मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा आया है। और इसे ना आप चाहे तो गीले हैंकी से भी निकाल सकते हो, पर इस तरीके से अगर आप निकाल रहे हो ना तो इसका जो हमारे कालापन होगा ना, ब्लैक हेड, उसे भी ये ख़त्म करके अपने फेस पे अलग सा एक ग्लो लाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरीके से रफ कर लिया अपने फेस को अच्छे से, और आपको रिज़ल्ट तो ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने रफ करके बता दिया है, तो इसे ठंडे पानी से वॉश करके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है, और इसका रिज़ल्ट देखिए मुझे तो बहुत अच्छा आया है, और आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हमारे फेस से सारे डस्ट भी निकल जाते हैं और फेस पे अलग सी ग्लो आ जाता है। तो यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लिया है मैंने, और तो उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को मैं थोड़ा सा लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लूँगी और इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये फेस पैक मैं रात में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे आप है ना, इस फेस पैक को आप रात में इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दीजिए। अगले मॉर्निंग आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा आने वाला है ना कि आप सोच नहीं सकते, आपके चेहरे पे जो अलग सा निखार आएगा ना बहुत अच्छा। अगर ये मेरा मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे फेस के लिए, हेयर के लिए, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले इस्तेमाल नहीं करी आप लोग के साथ शेयर करी, ऐसा कुछ नहीं, मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करती। तो रिज़ल्ट देखिए बहुत अच्छा है। अब पूरा वीडियो देखने के लिए ना थैंक यू सो मच।